नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। जिला कांग्रेस कमेटी गोंडा द्वारा प्रदेश के आह्वान पर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संकल्प यात्रा रैली निकाला गया। आज ओम प्रकाश सोनकर एडवोकेट जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी गोंडा ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संकल्प यात्रा रैली महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आरंभ किया गया। रैली में प्रदेश उपाध्यक्ष तारी पांडे, सुरेंद्र कुमार सिंह गौतम, मंडल प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कृष्ण पांडे ने कहा कि दलितों के साथ किसी प्रकार का अन्याय एवं उत्पीड़न व अत्याचार होगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनकर ने बताया कि मैं कांग्रेसी हूं, दलितों शोषितों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे धरना प्रदर्शन या जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। रैली में खेमचंद कोरी, खेमचंद वर्मा, अभिमन्यु सोनकर, धर्मराज, राजेंद्र सोनकर, मीरा देवी, सीमा सोनकर, सावित्री देवी आदि तमाम लोग शामिल हुए। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो चीफ राजकरण अकेला एडवोकेट गोंडा की रिपोर्ट। हाथरस की बेटी को लेकर के प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोगों ने संकल्प न्याय यात्रा निकाला गया था। ये हमारे राज्य महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे माननीय हमारे विभाग के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी के निर्देश पे और तनुज पुनिया जी के निर्देश पे मैं अनुसूचित जाति विभाग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनकर एडवोकेट ये न्याय संकल्प यात्रा निकाली गई। मैं जानता हूं कि लोग पूछते हैं कि चार्जशीट दाखिल की गई है, आप किस चीज के लिए निकाल रहे हो? चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये होता है बाबू साहब कि साक्ष्य को वहां न पहुंचने दिया जाए। चार्जशीट देने का मतलब सजा नहीं हो गया, न्याय नहीं मिल गया। इसलिए हम सब कांग्रेसी मिलकर के जब तक उसको न्याय दिलाएंगे, जब तक मुकदमा अदालत में चलता रहेगा और साक्ष्य जब तक सही नहीं सबूत पेश हो जाएगा, तब तक हम लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। और ये संकल्प यात्रा मेरा जब तक चलेगा जब तक हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा। और मेरा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इस चीज को कह रखा है कि जिले भी आज संकेतात्मक है, फिर मैं परमिशन लेकर के और चारों तहसील में और 16 ब्लॉक में ये कार्यक्रम होगा और उसके बाद प्रदेश नेतृत्व कहेगा तो न्याय स्तर, गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर होगा। और हम कांग्रेसी कभी झुकने वाले नहीं हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय कांग्रेस। और हमारे बीच में परम आदरणीय श्री जय किस पांडे जी हैं, वो अपना दो शब्द कहना चाहते हैं, हमें गाइडलाइन दें।